अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। होप सो यू आर फाइन स्टूडेंट्स। आज हमारी मैथ्स की वर्किंग है, उसमें हमने पेज नंबर 67 की वर्किंग करनी है। वर्ड प्रॉब्लम्स है हमारे पास, जो हमारे पास हम काम कर रहे हैं वो एडिशन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ताहिर हैज़ 14 कॉइन्स एंड जमाल हैज़ 23, हाउ मैनी कॉइन्स आर देयर अल टुगेदर। अब यहाँ पर अल टुगेदर का वर्ड यूज़ हुआ है, तो हमें पता चल रहा है कि हम लोगों ने दोनों कॉइन्स को टोटल करके बताना है कि टोटल कितने रुपीज़ हैं हमारे पास, कितने कॉइन्स हैं। तो हम इनको प्लस करेंगे, जमाल के पास कितने पैसे हैं, 14, कितने कॉइन्स हैं, 14। ये हमारे पास वंस और टेंस में आ रहे हैं, यानी 4 हमारे पास वंस में और 1 जो है वो टेंस में। तो हम एक राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, पहले 4 ऐड करेंगे और फिर 1। उसके बाद जमाल के पास कितने कॉइन्स हैं, 23। तो पहले हम 4 के नीचे 3 और 1 के नीचे 2। आप लोगों ने डिजिट के नीचे एज इट जो डिजिट है वो एज इट इज़ राइट करना। अगर हम डिजिट के नीचे डिजिट राइट नहीं करते तो हमारा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाता है। 4 में 3 प्लस करेंगे। अब आप इसको लाइंस लगा के प्लस करें, फिंगर टिप्स के साथ प्लस करें, तो आप लोगों ने इसकी इस तरह प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7, 1 में 2 प्लस करेंगे तो 3, तो ये हमारा बन जाएगा 37। टोटल कितने कॉइन्स हो गए, 37। उसके बाद है रहमान प्लेड 15 क्रिकेट मैचेस इन 1 ईयर एंड 12 मैचेस इन द सेकेंड ईयर। कि रहमान ने 15 जो क्रिकेट के मैच है वो एक साल में खेले और 12 जो है वो नेक्स्ट सेकेंड ईयर में। हाउ मैनी मैचेस डिड ही प्ले इन टू द 2 ईयर्स, क्या हाउ उसने दोनों सालों में कितने मैचेस खेले। तो पहले उसने कितने मैचेस खेले फर्स्ट ईयर में, तो ये है 15 और सेकेंड ईयर में 12। अब इनको प्लस करेंगे, 5 के नीचे 2, 1 के नीचे 1। अब जब हमारे पास 5 और 2 को प्लस कराएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7। तो 7 को आप लोगों ने बिल्कुल 2 के नीचे राइट करना है। 1 में 1 प्लस किया तो 2, तो टोटल उसने 27 मैचेस जो है वो खेले 2 ईयर्स में। उसके बाद थर्ड है हमारे पास महा हैज़ 54 स्टैम्प्स, के महा के पास जो है वो 54 स्टैम्प्स हैं। शी कलेक्ट्स 15 मोर, और उसने 15 जो है वो और जमा कर लिया। हाउ मैनी स्टैम्प्स डज शी हैव ऑल टुगेदर, कि उसके पास टोटल कितनी स्टैम्प्स हैं। तो हम लोगों पहले स्टैम्प्स थी 54, उसके बाद उसने जमा की 15। अब इनको प्लस करेंगे, 4 में 5 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 9, 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6, ये आ जाएगा हमारे पास 69। तो उसके पास टोटल स्टैम्प्स हो गए 69। उसके बाद है जिब्रान हैज़ 18 बिस्किट्स एंड परवेज हैज़ 20 बिस्किट्स, का जिब्रान के पास 18 बिस्किट है और परवेज के पास 20। हाउ मैनी बिस्किट्स डू यू हैव ऑल टुगेदर, तो उन्होंने हमने बताना है कि दोनों के पास टोटल कितने बिस्किट हैं। ये पहले हम जो जिब्रान के पास है वो 18 वो प्लस करेंगे, फिर परवेज के पास जितने हैं वो प्लस करेंगे। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 8 के नीचे 0 और 1 के नीचे 2। 8 में 0 प्लस करेंगे तो हमारे पास 8 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 में 2 प्लस करेंगे तो 3, तो टोटल बिस्किट हो गए हमारे पास 38। उसके बाद है एट शफीक्स बर्थडे पार्टी देयर आर 22 बॉयज़ एंड 17 गर्ल्स, के शफीक की बर्थडे पार्टी पे 22 बॉयज़ थे और 17 गर्ल्स थी। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर ऑल टुगेदर, के यहाँ पर हमने बताना है कि वहाँ पर टोटल बच्चे कितने थे। 22 को ऊपर ऐड करेंगे, 17 को नीचे, इनको प्लस करेंगे, 2 में 7 प्लस करेंगे तो 9 और 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3, ये बन गए हमारे पास 39 चिल्ड्रंस। तो हमारे पास टोटल चिल्ड्रन हो गए 39। सोच आप लोगों की वर्किंग है, इसको आप लोगों ने अपनी बुक पर सॉल्व करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।